बिसम्स नाजरीन मारूफ एस्ट्रोलॉजर रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वीडियो के अंदर हमने कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी है इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि अली साहब ने हमारी ही एक वीडियो के अंदर बात की थी कि मुल्तान जो है ये बड़ा हॉन्टेड शहर है मुल्तान में शायद उसामा साहब के अल्फाज थे कि शैतान का जो तख्त है वो यहाँ पे होता था इकराम पे आए और फिर वो उन्होंने बताया था कि भाई वो पढ़ा करते थे जो हॉन् जो चीज़ें थी जन्ात वगैरह वो भाग जाया करते थे तो लोग जो हैं वो फिर इस्लाम कबूल करते जाते हैं यही वजह है कि बड़ी जल्दी इस्लाम जो है इन इलाकों के अंदर फैला था बहुत सारे नाजरीन वाम साहब हमें सवाल किए सबसे पहले तो अल्लामैकम जी वालक बहुत सारे लोगों ने सवाल किए और उनका कहना ये था लोगों का पूछना ये था कि आप भाई हमारे मुल्तान को जो आमों का शहर है आप मुल्तान को कह रहे हैं कि ये का तख्त है तो इस वाले से ज़रा नाजरीन के लिए बताएँ क्योंकि लोगों की बात है तो वो फिर देखिए देखें बसमल महमद देखिए ये लोगों की जो तारीख़ की हिस्ट्रीज़ हैं हम हमारा इसमें कोई वो नहीं है मेरे लिए भी ये एक नई बात थी जब मेरे नोटिस में आई तो लेकिन जब मैंने उसको को रिलेट किया तो उससे मुझे लगा कि ये आग से बने इनको एनर्जी जो है सूरज से मिलती है और जब हम ट्रीटमेंट करते हैं जो ऐसे घर जिनमें सूरज नहीं दाखिल होता तो वहाँ ये ख़ुद भी वीकर हो जाते हैं और इनको वो लाइट नहीं मिलती तो कई लोगों ने कहा जी वो तो उससे बने हैं तो भाई आग से बने तो उनकी भी कोई एनर्जी का सोर्स तो है ना और लाइट आग का मतलब जैसे सूरज और आग का एक ताल्लुक है और गिना जाता है और इसीलिए सूरज की प्रस्तिश भी होती रही है तो वो शैतानी अमल था या रहमानी अमल था शैतान की पूजा सूरज की पूजा करना ठीक है। तो एक तो वो को रिलेशन है क्योंकि जितने भी जो परस्तिश के जितने भी शैतानी जैसे कहते हैं कि वो वेज हैं जी वो वो हैं जो इस मखलूक को सूट करते हैं और फिर इन्होंने बड़ी हमत से अपनी तैयारियाँ की हैं अपने इलाकों में इस तरीके की मालूम फैलाई हैं जो कि इनका रहन सहन आसान कर दें और जो नेक जन्ात हैं या जो मुसलमान हैं या जो आप लोगों के दोस्त हैं उनका जीना दोबर कर दें और ये फिर आपके घर में आपकी खुराकों का हिस्सा बने जैसे नबी पाक सल्ला वसम ने फ़रमाया था कि हड्डियों के, के मतलब इन्होंने मुझे कहा है आप लोग ख्याल किया करें उसमें इनकी झजा होती है तो मैं समझता हूँ घरों में हमेशा हड्डियों को बहुत अच्छे से सलीके से एक तो वो जो चबाते हैं चबाना नहीं चाहिए उसमें कुछ ना कुछ लगा छोड़ देना चाहिए दूसरा फिर उसके डस्टबिन में इस तरीके से नहीं रात को बाहर हों घर से ताकि ये मखलूक आपके घर में ना आए हड्डी रात को इस तरह का कचरा ये बड़ा मना किया गया है इसको और अब अच्छा खाना खाने के बाद जी हम अक्सर होता है कि वो अपनी डिशेस उठाते हैं और उसको किचन में रख देते हैं किचन में और उन हड्डियाँ पड़ी रहती हैं और ख़ास तौर पर खुवान जो हैं वो सोचती हैं कि यार रात को क्या बर्तन धोने हैं सुबह उठ के धोंगी तो, तो वो हड्डियाँ आपके किचन में रहती हैं आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उसकी अलीह से एक अच्छी प्लेस होनी चाहिए आपकी छत पर कहीं अगर आप नहीं भी हैं तो फिर गलीर में बाहर कहीं भी कोई ऐसी प्लेस जहाँ उसको घर से जैसे ही आपने बस यूज की उसको बाहर रखने के ताकि उनको खाने के लिए आपके घर में ना आए अब आ जाए इसमें दो जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं देखें जब तक आप लोग नूरानी जो या मुसलमान जन्ाद की कंपनी में होते हैं वो हैप्पी होते हैं वो खुश होते हैं वो उनका खाना आपके साथ और बड़ा खुश होकर रहते हैं आपके काम में बरकत होती है आपके मामलों में रुकावट नहीं होती ना दीदा हिफाजत होती है और इसी तरीके से आपके कारोबार जो उनसे वाबस्ता हैं जैसे खुशबू का काम बड़ा रास आता है कपड़े का लकड़ी हुँ, का हुँ, क्योंकि ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इन मखलूब की जो है ना वो फेवरेट्स में से होती हैं तो उसमें अब होता ये है कि वो रहते हैं जो नेक जन्हात है अच्छा जैसे ही आप कोई गुना सरज होता है आप कहीं हाथ लग जाते हैं दूसरे शैतानी जिन्नात के ठीक है गुना आप नहीं करते कभी भी याद रखें और ये अमूमन जो हम सुनते होते थे जब कोई आ, केस ऐसा हुआ जी शैतान आ गया था शैतान आ गया था पुराने दौर में वो तो सही बात है ये सही बात अच्छा। है कि एक ह्यूमन बॉडी जी तौर पर उसकी जो मेड है वो आ, इस तरह की एक्ट नहीं करती शैतन के कब्जे में आप जाते हैं वो आपसे करवाते हैं जो भी करवाते हैं इसीलिए तकवा की गाड़ी दी गई है कि आप अपनी हिफाजत करें सुबह शाम की दुआएं वॉशरूम की दुआ निकलने की दुआ घर से निकलने की दुआ अगर ये नबी पाक सी हैं अच्छा ये जो तो आप, आप लो अच्छा लो ये जो आपने बात की है वॉशरूम जाने की दुआ वहाँ से निकलने की दुआ ये चीज़ें मुझे याद है बचपन में पढ़ाई जाती थी सिखाई जाती थी बहुत सारी दुआएँ भूल जाता है बंदा तो फिर हमें हमारी डेली जो प्रैक्टिस है उसका हिस्सा नहीं रही हुई तो मैं बताता हूँ ना पुराने दौर में आप अपने खानदान आपके कैसे आपस में खुले मिले होते थे एक दूसरे के दुख दर्द में मामला में आज आप लोगों के मुँह ही एक दूसरे से परे हुए हुए हैं बेशक नान का हो बेशक दाद का हो तो इसी तरीके से आज आपके बच्चों में आपके वो कजनों वाले प्यार हैं जो आज के बच्चे हैं जो पहले हमारे दौर में होते थे या वो शामों की सीटिंग्स या वो कट्ठे गप्पे और वो सब आपको आज इंसान आइसोलेटेड क्यों नजर आ रहा है क्योंकि ये याद रखे कि इंसान इंसान से नफरत नहीं करता जब वो जन्ात के या शयातीन के कब्ज़े में आ जाता है तो तब वो नफरत करता है अब जिसका भी टेस्ट लेना हो कि वो हॉन्टेड है या नहीं है तो उसके अंदर अगर किसी की नफरत है ना तो वो समझ जाए या इतनी कोई वो लोगों ने समझ लिया कि हॉन्टेड का मतलब है जबान बाहर निकली होगी आंखें उल्टी हो जाएंगी हाथ टेढ़े हो जाएंगे और चीखे मारेगा या उछल उछल उच के छत को लगेगा तो ये हॉन्टिड है नहीं आपको अगर कोई नेगेटिव फीलिंग्स है आपके आप उसको काबू नहीं कर पा रहे आपको क्रोध आ रहा है ये गुस्सा क्यों हराम है चलें बताएं हलाल अच्छा जैसे हराम है हराम ही लगते हैं ना बहुत हराम तो नहीं लगता इसी तरह शराब के साथ कोई एक्सट्रीम हराम आता हो वर्ड हराम ही इस्तेमाल करता है इस्लाम वही आपके गुस्से के लिए फिर उसमें पानी का क्या काम है क्योंकि ये आग है उसको पानी से बुझाओ इसीलिए आपको पानी का पीने का हुक्म है उसी वक्त अच्छा अब ये समझ लें कि एक और जो हमारे नाजरीन या लोग हम बेंगे मुस्लिम जो जहाँ मार खा रहे हैं बिसमल्ला का जो इस्तेमाल की कमी है वो इस मखलूक को आपका हिस्सेदार बना देती है बचपन में सुना था शैतान साथ खाता है वो बिल्कुल सही बातें थी जब आप बिसमिल्ला करके किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं ना आप मोहर लगा देते हैं अल्लाह के नाम की अब इस चीज़ को जो है शैतान की दस्तरस से बात कर देते हैं अब इस पर समा लग गया अल्लाह के नाम का अब वो इसको हाथ नहीं लगा सकता वो कोई काम हो वो आपका कोई इवेंट हो वो खाना हो वट्स वेवर तो अब हमें असल में ये भूल गए कि भाई आप लोग जो उतरे थे शैतान से जंग के लिए थे और आपका क्या मकसद है उसने कहा था मैं इनको दो जख से भर बिल्कुल ऐसे है तो ये सारी जो प्रैक्टिस थी आप समझें कि अगर उसका सारी दुनिया में आप चेक करें जो मौसम है अब अगर मुल्तान आउट ऑफ पाकिस्तान ही हम चले मान लेते हैं इस थ्योरी को तो सूरज सबसे बेहतरीन मुल्तान में चमकता है गर्म तरीन के उसमें और आप फिर मुल्तान से आप पूरे सिंध की बैल्ट चेक करें डेजर्ट की और चमकते हुँ. सूरज की बारिशों का तो माशा नामो निशान भी नहीं मिलता हुँ. और बारिश इनकी मौत है चलें आज आप ये भी बताऊंगा आपको इन एरियाज में बारिश बहुत कम होती है इसलिए ये इनके लिए फेवरेब की मौत है हाँ जी ये बीमारियों की जो आप मौत कहते हैं वो यही बीमारी है और कुछ नहीं है उसके बाद अच्छा, बारिश हो रही है तो उतरेंगे आप बड़ा फ्रेश फील करेंगे बड़ा हुँ, हुँ, अपने पेशेंट्स को, और मैं तो समझता हूँ कि अपनी जब मैं ट्रीटमेंट में ऑर्टिस्टिक में अमूमन रिकमेंड करता हूँ कि बच्चे को आप अच्छा खिलाएं यही कि खाली पेट बारिश में खड़ा कर दें लेकिन बारिश को मिस ना करें कभी भी और बारिश के पानी को भी नहीं मिस करना चाहिए अच्छा उसके बाद जो आपकी ये जो है ना ये पूरी बेल्ट ये इसलिए इतनी गर्म और बग़ैर बारिश के तो ये इनके लिए अच्छी एनर्जेटिक प्लेस हो सकती है शैतीनी जो शैतान आग की पूजा आपको याद है शैतान आग का पूजा रियल काइंड ऑफ अब समझें कि ये जो एरियाज़ हैं इनमें जो वन्नी सत्ती इस तरह की रस्में सब आपको इसी बेल्ट में इधर ही सिंध की और ये डेजर्ट में इस तरह के अजीबो गरीब मामला मिलेंगे आपके इधर क्यों रावलपिंडी में क्यों नहीं सत्ती बनी होती लाहौर में क्यों नहीं होती ये इधर क्यों नहीं हुआ ऐसे कोई अजीबो गरीब की सर अच्छा उधर दुश्मनियाँ उस तरीके से मतलब अच्छा फिर औरतों के साथ जो सलूक जो की उसने कहा था मैं फैमिली यूनिट में सबसे ज्यादा खुश होता हूँ जब कोई चेला मिया बीवी में वो डाल के आता है दराक तो वो थ्योरीज देखें तो यहाँ की जो फैमिली लाइफ्स हैं वो भी ज़्यादातर डिस्टर्ब नहीं okay. होगी और हारमोनियस मियाँ बीवी के रिलेशंस नहीं होंगे और ये फिर तवीज़ उसने कर दिया उसने कर दिया उस चक्कर में बहनें आपस में नहीं मिलेंगी भाई नहीं मिलेंगे उन्हें तवीज़ कर देते नहीं तो उन्हें वो शतानी बैठे इसी काम में लगाए हालांकि वो मसला उनके इन मखलूक के एग्जिस्टेंस का है और ये ख़ानदानों में भी दड़ाने डाल रहे हैं उसने तवीज़ करनी उसने इसी चक्कर में रह जाते हैं जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो रसूल सल्ला वसलम की हिफाजत की दुआएँ हिफाजत की शील्ड है तकवा की गाड़ी है बिल्कुल ठीक और इसमें सबसे बेहतरीन है कि आप मैक्सिमम खुशबू का इस्तेमाल करें मैक्सिमम बॉडी नीट एंड क्लीन रखें रोज़ नहाएं और अपनी जो जैसे कहते हैं ना हिफाजत की जो शील्ड है उसमें और बल्कि आपके नाजरन जो आप सुन रहे हैं उन सब के लिए समझ लें कि तोहफ़ा कि दुआ कब मोहम्मद उसमा फीसल पर लगी हुई है उसको लगाएं जिनकी इतलाकें करीब है बच्चे बीमार हैं और जब उसमें पॉजिटिव सात दिन चौदह दिन में रिस्पांस आए तो फिर अपने आप को हमारे किसी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें ताकि एक उनकी ट्रीटमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू हो सके और बेफिक्र हो जाए ये सिर्फ मामला इतना सही है शैतान की जब दुश्मन की पहचान हो जाए तो आप उस पर कवर कर पाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं आपकी जंग किससे तो इसलिए जो मुल्तान के शैतान के तख़्त की बात है ना सर वो थोड़ा सा उसमें वजन लगता है कि सारे वलिया इधर ही आए और अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हॉन्टेड हैं या कोई भी है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करें खुशबू लगाएं थोड़ी सी मतलब वो दें अभी मतलब जैसे कहते हैं मामला खुल जाएगा तो ये कोई इतनी वो नहीं है तो मैं समझता हूँ जब मैं अब इस एक्सपीरियंस में हाजिरी के और इस सब में जब मैंने देखा तो मुझे लगता है कि वो जो बुजुर्ग हैं जैसे वो किसी हिंदू मज़हब को या जो इधर एग्जिस्टिंग रिलीजियस लोग होंगे उनको ऐसी थपकी अल्लाह अकबर की देते होंगे वो जिन जिसम छोड़ के बाहर निकलते होंगे वो खुश हो जाता होगा कि मैं तो ठीक हो गया वो फौरन बैत हो जाता होगा तो ये थ्यूरी है और अब मुझे ये लगता है कि अगर जंग हो तो शैतान की शर की और नेकी की होगी तो अगर कुफर और इस्लाम की जंग हो तो फिर जैसे आप एक साइड पे होंगे तो मोमिन जन्नात भी एक साइड पे होंगे तो दूसरी साइड पे शर के शैतान भी साथ होंगे तो दूसरे भी होंगे और इंसानी जिस्मों में होंगे जैसे गजबाई बदर के मौके पे जब नारे तकबीर लगा तो शयान ने जिसम छोड़ के साइड पे खड़े हो गए उन्होंने कहा अब तुम अपनी खुद जानो ठीक है उधर फरिश्ते उतर रहे थे इधर ने जिसम छोड़े अगर सिनेरियो भी मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए ये जो हिंदा हिंद घज़वाय हिंद करते हैं इधर ऐसा क्या था कि गजबा हिंद इधर क्यों होनी है चले बताएं इस खत्ते में जी तख्त को रिलेट करें जरा इस थ्यूरी को तो समझ आती है कि यहाँ कुछ ऐसा है जहां और आपकी जंग तो शैतान से ही थी ना सर आपकी और किससे जंग थी तो वो तख्त इधर तो फिर गजबा हिंद की समझ आती है सारे शैतानी और सारी मामला नहीं। 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 और अब आ जाए कि वो जो एटम बम है या इस तरह की कोई चीज़ चलनी तो ये सारी इस खत्े में ये पॉसिबिलिटी मौजूद रहेगी और फिर इसका मतलब ये है कि ये लोग जो बड़ा सेफस्ट सेफेस्ट कह रहे हैं ना इस खत्े को मेरी एक अपनी राय है गलत भी हो सकती है लेकिन एक जो मेरे जेन में को रिलेशन बन रही है कि भाई वो जो मशरक में बैठे चीख और शोर की आवाज है तो वो किसी बम की होगी और फिर अगर इमाम मदी अल्लाम का जहूर होना है और उन्होंने दुनिया में जंगे हो रही होंगी तो डिफाइन कर देनी है साइड बिल्कुल ठीक है।, है तो फिर वो जो पूरी दुनिया ने चालीस साल अमन जो देखना है इसका मतलब है शैतान की एग्जिस्टेंस नहीं होगी मान लेना कि फिर इतना अमन कैसे हो जाएगा या शयातीन ये सारे इतने बिल्कुल ठीक दुनिया में रहने वाले आमिल बन जाएंगे या क्या ऐसा करेंगे कि फिर पूरी दुनिया पे इस्लाम फैलेगा और अमन के वो चालीस साल होंगे शेर बकरी एक उस पर होंगी तो इसका मतलब हेड क्वार्टर उड़ चुका होगा बिल्कुल ठीक है सामी साहब बहुत शुक्रिया नाजरीन को बड़ी तफसील से बताया कि मुल्तान को शैतान का तख्त वाली बात क्यों की थी और किस पर राय में की थी नाजरीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़